छिंदवाड़ा के गुलाबरा वार्ड 44 के रहवासी गंदगी से बहुत परेशान है। गुलाबरा स्थित बड़े नाले में नियमित रूप से नगर निगम सफाई अमला अपने कार्य को करने में असमर्थ है। वार्ड नंबर 44 के रहवासियों की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। रहवासियों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, पर नगर निगम द्वारा शिकायत फोर्स क्लोज कर दी गई। हम सभी लोग वार्ड नंबर 44 के रहवासी हैं। ये जो आप लोगों को यहाँ पे नाला दिखाई दे रहा है, ये नाला लगातार टूटते हुए जा रहा है और इसकी कितनी भी बार अपन कंप्लेंट कर लो तो वो फोर्स क्लोज हो रही है सभी कंप्लेंट्स। और यहाँ पे लगातार सांप के निकलने के प्रोसेसेस और पूरे घरों में भी खराब पानी जा रहा है। यानी एक पूरा नाला जो इतना वर्षों पुराना नाला है ये टूटते हुए जा रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये बनाने के लिए भी कोई भी नहीं आ रहा है। ना इसकी सफाई होती है, ना ही इसका रिपेयरिंग वर्क हो रहा है। हमने सभी लोगों ने कहा है कि पैच वर्क हो यहाँ पे जहाँ जहाँ से टूट रहा है इतने बारिश के कारण, अभी तक पैच वर्क भी नहीं हो पाया है और सफाई तो होती ही नहीं है यहाँ पे। बारिश के दिनों में पानी आपके घरों में घुसा, सभी के घरों में जा रहा है बारिश के दिनों का पानी। तो इसकी कंप्लेंट हुई है बट फोर्स क्लोज कर रहे हैं कंप्लेंट डिपार्टमेंट वाले। जिसका मतलब इस नाले में गली नंबर 12 में है, श्रीराम चौक में वार्ड नंबर 44 में आता है ये नाले का जो पानी आता है। शहर के बड़े बड़े मतलब जितने भी नाले हैं सारा पानी इधर ही से आता है। आपका यदि देखेंगे जो मेन रोड मतलब है टेकड़ी वाला गुलाबरा का पानी पूरा, और उधर का भी पानी स्टेडियम साइड के उधर का पूरा नाले का मतलब जो कनेक्शन वो उधर से है मेन रोड, उधर का पानी पूरा बारिश के दिनों में यहाँ से आता है पूरा। और ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो होने के बाद घरों में घुस जाता है, इतना पानी आ जाता है मेरे घर में घुस जाता है अभी दो बार। लेकिन इस पे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। कई बार उनको बताया नालियाँ टूटते जा रही है, पुलिया और पुलिया भी जिस हिसाब से बनना था उस हिसाब से बनी नहीं, चौड़ी बनना चाहिए था जिससे निकलने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।